हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ब्रोंकाइटिस के बारे में एक बार बात किया है, एक बार उसका वीडियो देखा है जिसमें हम लोगों ने देखा है एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में। आज ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हमने एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में देखा है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऐसे बहुत से लोग जो पहले का वीडियो नहीं देखे उनके लिए ब्रोंकाइटिस क्या होता है, तो ब्रोंकाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ब्रोंकियल ट्यूब जैसे कि आपकी यहाँ पे फेफड़ा है, लंग्स है, यहाँ पे ट्रैकिया आता है, श्वास नली आती है, फिर वो दो भागों में बट जाता है, फिर जहाँ पे दो भागों में बट के वो लंग्स में जाता है तो उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइट, और ब्रोंकाई में के अंदर में इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस की समस्या बच्चों में और बड़ों में यानी बूढ़ों में ज़्यादातर होती है, युवा में उतनी नहीं होती है। इसमें होता क्या है कि जो ब्रोंकाइज होती है वो फूल जाती है और ब्रोंकाइज के फूलने के बाद उसका जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है, यानी ब्रोंकाइज तो चौड़ी हो जाती है लेकिन उनका ल्यूमेन छोटा हो जाता है। इसकी वजह से सांस लेने में और बहुत सारी समस्या आती है। अब अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस के बारे में, यानी ब्रोंकाइटिस कितने प्रकार का होता है, तो ये मेनली दो प्रकार का होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं अगर अभी तक देखा नहीं है तो। इसके अलावा दोस्तों क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में थोड़ा सा ये अंतर होता है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस जल्दी से होता है और थोड़े समय में खत्म हो जाता है, इसको ठीक कर लिया जाता है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये बहुत लंबे समय से रहता है आपके शरीर में, आपको पता नहीं चलता और लंबे समय तक रहते रहते ये अपनी एक जड़ बना लेता है, तो इसको हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में कि मेनली क्या रीज़न होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने का, तो इसका सबसे मेन रीज़न होता है स्मोकिंग एंड डस्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा डस्ट के एरिया में रहते हैं और लगातार डस्ट आपके फेफड़े में जा रही होती है तो उन डस्ट की वजह से, या जब स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में डस्ट के पार्टिकल, राख के पार्टिकल और कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी बहुत सारी गैसेज आपके फेफड़े में जाती हैं और वो ब्रोंकाइटिस को चोट पहुंचाती हैं। इस वजह से ब्रोंकाइटिस पे जमा भी हो जाती हैं, तो कई बार स्मोकिंग और डस्ट की वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने का खतरा होता है। वहीं अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं, किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में भी बहुत सारी डस्ट और बहुत सारी गैसेज उड़ती हैं और वो गैसेज, वो डस्ट आपके फेफड़े में जा सकती हैं और यहाँ पे आपके फेफड़े में ब्रोंकाइटिस उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा एक्यूट ब्रोंकाइटिस का अगर सही से इलाज ना किया जाए तो ऐसी कंडीशन में भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बन जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसके अलावा दोस्तों नेजल साइनस इन्फेक्टिव टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने का खतरा होता है, तो जब भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो इनका तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। कई बार लंग इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, इन सब की वजह से भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इसके अलावा श्वास नलियों में बहुत ज़्यादा फैलाव यानी कि ब्रोंकियोस्टेसिस की वजह से भी आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने का खतरा होता है। अब अगर हम बात करेंगे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, तो ज़्यादातर इसमें कफ आती है, खांसी आती है और खांसी मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा आती है। इसके साथ में जब खांसी आती है तो खांसी के साथ में म्यूकस और स्पूटम यानी बलगम आता है। ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे सूखी खांसी नहीं आती है, जबकि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में सूखी खांसी आती थी। इसके अलावा दोस्तों सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पैरों में सूजन आ जाती है और सांस फूलती है, साथ में जो एक्सपायरेशन होता है यानी बाहर की सांस जो होती है वो बहुत कठिनाई से आती है, यानी कि सांस को हम बाहर बहुत कठिनाई से निकाल पाते हैं। इसके अलावा अगर एयरवेज को सही से क्लीन ना किया जाए तो ऐसी स्थिति में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस वजह से जल्दी से आपको इलाज करना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों सांस लेते वक्त जो सांस की कैपेसिटी होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, यानी आप लंबे समय तक सांस नहीं ले सकते हैं, लंबी सांस, गहरी सांस नहीं ले सकते हैं अगर आपको ब्रोंकाइटिस यानी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या है तो। अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो कुछ कुछ तो मेडिसिन हम लोग जैसे क्रॉनिक में यूज़ करते थे यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लैविनेट यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो तीन प्रकार की एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हैं जिसमें से आपको एक यूज़ करना है, जिसमें आप एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लैविनेट एक एक गोली सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं 625 mg, या फिर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की गोली दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, या लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg की गोली दिन में सुबह शाम आप यूज़ कर सकते हैं एक एक गोली। तो ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स देते हैं, बाकी आपको अगर आपको खुद आप मरीज हैं, पेशेंट हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको अपने आप से मेडिसिन नहीं लेनी है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे खांसी को ठीक करने के लिए सिर्फ एम्ब्रोक्डिल यूज़ कर दिया जाता है, जिसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और लीबोसल्बिटामोल सल्फेट एंड गुआफेंसिन होता है। ये दो दो चम्मच TDS यानी सुबह दोपहर शाम लेने की सलाह देते हैं। इसके स्थान पर आप कोलिनेक्टस BM भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ब्रोमहेक्सिन या टर्बिनलिन होता है, या आप ग्रीनलेक्टस BM यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी मेडिसिन जो भी आपको मार्केट में मिलती है सेम कम्बिनेशन की आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही मेडिसिन यूज़ जो मैंने आपको बताया है, हाँ, लेकिन कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। इसको भी दो चम्मच सुबह दोपहर शाम यानी दिन में तीन बार दो दो चम्मच यूज किया जाता है। ये जो है बेड कफ के लिए होती है, यानी जो बलगम के साथ खांसी आती है। इसके अलावा पेशेंट क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आती है तो डियोलिन एंड ब्यूडाकार्ट के से आपको पेशेंट का नेबुलाइजेशन करना चाहिए, उसको सांस दिलाना चाहिए, भाप दिलाना चाहिए, ये वाली मेडिसिन मिला करके, क्योंकि ये सारी जो मेडिसिन हैं ये फेफड़े को स्ट्रेंथ देती हैं, फेफड़े की जो ब्रोंकाई है उसको फैलाने का काम करती हैं, जिससे आसानी से जो सांस है वह पेशेंट जो है वो ले सके और उसकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो बहुत छोटी सांस ले रहा है वो सांस वो लंबी ले सके। इसके साथ में दोस्तों थियोस्टैलिन फोर्ट 1 टैबलेट BD लेने की सलाह देते हैं दिन में दो बार। थियोस्टैलिन के अंदर में सालब्यूटामॉल होता है और थियोफाइलिन होता है। ये जो टैबलेट है सांस लेने में सहायता करती है, जैसे कि पेशेंट को अगर सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में समस्या हो रही है, तो उसको ये वाली टैबलेट दी जाती है, और ये टैबलेट BD दी जा सकती है या जैसे पेशेंट को आवश्यकता है दिन में एक बार भी दी जा सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन मैंने आपको केवल जानकारी के लिए बताया है, आप खुद से यूज़ ना करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।